नमस्कार प्यारे बच्चों, फ्लैश एकेडमी चैनल में आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं नीट 2020 के पेपर का दूसरा वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143 F1 सेट से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक एमिनो एसिड? ऑप्शन दिया हुआ है टायरोसिन, लाइसिन, सेरीन और एलेनिन। बायो मॉलिक्यूल्स या बायो पढ़ने वाले बच्चे लोग एमिनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन, कौन से एसिडिक है, कौन से बेसिक है, कौन से न्यूट्रल है, वो आप पढ़ते हैं। तो इतनी सी बात आपको पता होगी, आंसर जाएगा सेकेंड, लाइसिन। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हमारे पास में। आइडेंटिफाई कंपाउंड एक्स इन फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन दिया हुआ है बच्चों, है ना। देखो, टोलुइन की रिएक्शन Cl2H2, यानी कि क्लोरीनेशन होना है, एक्स बना हुआ है और एक्स का फिर अपन लोग हाइड्रोलिसिस करके एल्डिहाइड बना रहे हैं। तो आपको ये पता करना है कि ये जो बीच में एक्स है वो कौन सी होगी। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले आपको यहां पर क्लोरीनेशन करना है। तो बच्चों, यहां पर अगर अगर मैं मोनोक्लोरीनेशन करता हूं, ठीक है, तो मोनोक्लोरीनेशन से ये होगा एक्स, और फिर इसका अगर मैं हाइड्रोलिसिस करता हूं तो यहां पर बन जाएगा, ये देखो, ये बेंजीन का रिंग है, ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा OH। ये प्रोडक्ट बनेगा, एल्डिहाइड तो नहीं बना। यानी कि हमारे पास CH2Cl वाला ऑप्शन जो मोनोक्लोरीनेशन का प्रोडक्ट है वो तो नहीं होने वाला। ठीक है, अगर बॉस ट्राईक्लोरीनेशन कर देते हैं, यानी कि यहां पर अगर हो जाए CCl3 और इसका फिर हाइड्रोलिसिस किया जाए, तो ध्यान रखना तीनों जो क्लोरीन है वो यहां से रिप्लेस हो जाएंगे, एक OH, दो OH और तीसरा OH। जिस प्रकार से एक कमरे में बैठ के दो भाई बहन कभी नहीं रह सकते, एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते, उसी प्रकार से एक कार्बन पर दो OH कभी नहीं रह सकते। तो यहां से क्या हो जाएगा, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और फाइनली आपको क्या बनता हुआ दिखेगा, यहां पर बेंजीन का रिंग C और ये OOH, यानी कि हमारे पास में एसिड बन गया। बनाना क्या था, एल्डिहाइड, यानी ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं टोलुइन का अगर डाइक्लोरीनेशन करते हैं, तो यहां पर डाइक्लोरीनेशन से बनेगा CH और यहां हो जाएगा Cl2। फिर इसका हाइड्रोलिसिस अगर किया जाए, वाटर के साथ रिएक्शन कराया जाए 373 केल्विन टेम्परेचर पे, तो यहां पर क्या जुड़ेंगे, दो OH जुड़ जाएंगे। मैंने वही बात बताया, एक कमरे में बैठ के दो भाई बहन कभी नहीं पढ़ते, थोड़ी देर बाद दे मुक्का दे लात। ठीक है, तो यहां से भी वैसे ही क्या होगा, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और H2O रिमूव होने के बाद में प्यारे बच्चों आपको देखने को मिलेगा यहां पर CH डबल बॉन्ड O, यानी कि एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया है। तो आपने X ढूंढ लिया, आपकी X कौन है, तो आपकी X जो है वो है ये, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। इस क्वेश्चन के रेटिंग की बारी आएगी, तो थोड़ा सा इसमें हल्का फुल्का दिमाग लगाने वाली बात थी, लेकिन ज्यादा कोई खतरनाक यहां पे रिएक्शन उठा के नहीं दिया। तो इस रिएक्शन को अगर मुझे कैटेगराइज करना हो तो इसको मैं मॉडरेट के कैटेगरी में रखूंगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से आया हुआ बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? F- दिया हुआ है, ठीक है, SCN- दिया, ऑक्सिलेट आयन यानी C2O4-2 और CN- है। याद रखो, जब मैं आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ा रहा था तो मैंने आपको लिगेंड के स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताया था। ठीक है, क्या बताया था, लिगेंड की स्ट्रेंथ का ऑर्डर इब्राहिम है ना, सेकेंड क्लास से फेल, ठीक है, इब्राहिम सेकेंड क्लास से फेल। फिर उसके बाद बताया था आपको ओ बेल, बेल यानी ऑक्सिलेट आयन ना, ऑक्सिलेट आयन को C2O4-2, ओ बेल, ऑक्स मतलब बेल होता है ना, बेल पानी में नाचे। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था EDTA नहीं, इनो, ठीक है, EDTA नहीं, इनो पियो है ना, कान से, है ना, क्या से, कहां से पियो बेटा, कान से, EDTA नहीं, इनो पियो, कान से या कान को, जैसे आप याद रखें। तो इस हिसाब से बस सिंपल क्वेश्चन है, मिला लीजिए। फिर हमारे पास में देखो, सबसे पहले F माइनस है ना, SCN- C2O4- और CN-, तो यहां से जाएंगे, CN- सबसे स्ट्रांग लिगेंड है, चार ऑप्शन में से दो ही ऑप्शन में CN- सबसे स्ट्रांग में दिख रहा है, तो बाकी दो तो हमारे कैंसिल हो गए ऑप्शन, है ना, और इसमें हमारे पास में क्या है, CN- हो गया। फिर क्या हो जाएगा, SCN कहां गया, हाँ SCN, ये ऑक्सिलेट आयन, फिर हो जाएगा SCN- है ना, और
F माइनस है ना, यानी कि ये हो जाएगा वन, ये हो जाएगा टू, ये हो जाएगा थ्री, ये फोर, तो सी एन माइनस, फिर हमारे पास में हो जाएगा ऑक्सलेट आयन, फिर होगा फ्लोराइड आयन, फिर होगा एस सी एन माइनस, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड हमारे पास करेक्ट होगा। अब बच्चों इस क्वेश्चन को रेटिंग देने की बारी आई, तो ये क्वेश्चन बहुत इंफॉर्मेटिव है, बहुत आसान है, तो इसको इजी के कैटेगरी में रखूंगा। बच्चों इंफॉर्मेटिव बेस्ड क्वेश्चन है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से आया हुआ है, ऐसा क्या ऐसा एनटीए टेस्ट अभ्यास में भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैटायनिक डिटर्जेंट, ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास में सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, सोडियम डोडिसिल, बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम लॉरिल सल्फेट और सोडियम स्टीयरेट, ये चार आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। अब ऐसा है कि ये बच्चा जो है तुरंत एक बार पहले नज़र में अगर बच्चा पढ़ेगा, उसके पास इन्फॉर्मेशन है तो वो करेक्ट कर जाएगा, लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं सलाह दूंगा ऐसे क्वेश्चन को आप पहली फुर्सत में छोड़ दें, ठीक है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए, थोड़ा कॉमन सेंस अगर हम लगाते तो आंसर तक पहुंच सकते थे। देखिए कैसे, स्टीयरेट, स्टीयरेट हमारे पास में होता है COO माइनस, एसीटेट से स्टीयरेट आता है तो COO माइनस आयन होता है। सल्फेट की बात करूंगा तो ये होगा SO4 माइनस 2, ठीक है। सल्फोनेट आयन जो होता है बच्चों, सल्फोनेट आयन हमारे पास में होता है SO3 माइनस, ठीक है, SO3 माइनस। और अमोनियम ब्रोमाइड जो है, अमोनियम ब्रोमाइड होता है NH4 प्लस, है ना, और Br माइनस अमोनियम ब्रोमाइड। तो देखिए यहाँ पर तो ये, अगर यहाँ पर ये कैटायनिक पार्ट ये सारे लगे हुए हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास स्पीशीज है इसमें खुद में कैटायन दिया हुआ है, ठीक है, अमोनियम पार्ट जो है कैटायनिक दिख रहा है, बाकी यहाँ बेंजीन सल्फोनेट जो है वो क्या हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव होता है, ठीक है। लॉरिल सल्फेट जो होता है ये भी नेगेटिवली चार्ज है, सोडियम ये स्टीरेट पार्ट ये भी नेगेटिवली चार्ज है, बस ये जो अमोनियम ब्रोमाइड वाला है ना, तो अमोनियम आयन NH4 प्लस होने की वजह से इसको हम लोग कैटायनिक डिटर्जेंट बोल सकते हैं, तो आंसर जाएगा वन। इस क्वेश्चन की रेटिंग की बारी आएगी, जनरली इस टाइप के रटने वाली चीजें एग्जाम टाइम में हमको ध्यान में नहीं आती है, इतना सब याद रखना संभव नहीं होता है, इन्फॉर्मेटिव बेस्ड है, तो इसलिए अगर मुझे रेटिंग करनी है, आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया वाला हिसाब है, तो मैं इसको मॉडरेट की कैटेगरी में रखूंगा, ज्यादातर बच्चे इसे अटेम्प्ट नहीं किए होंगे। क्वेश्चन नंबर 147 फिजिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, ऑक्सीजन दिया है, लिथियम दिया है, सिल्वर दिया है, मैग्नीशियम, सबके 1-1 ग्राम लिए गए हैं। बच्चों मोल कंसेप्ट का बड़ा आसान सा क्वेश्चन आया हुआ है, एन अपॉन एन ए इक्वल्स टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट सबका कॉन्स्टेंट है, एन ए कॉन्स्टेंट है, यानी एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट होता है, जिसके एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा उसमें नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास क्या होने वाले, कम, यानी पहली फुर्सत में 108 और 24 तो कैंसिल हो गए। अब हमारे पास ये दो ऑप्शन बच रहे हैं, मैं इसमें भी इसको मैं टिक कर सकता था डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन दिया है 16, अब नंबर ऑफ एटम पूछा है 1 ग्राम दिया है, तो एन इक्वल्स टू हो जाएगा गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का होता है कितना बेटा 32, ठीक है, इनटू हो जाएगा एन ए। अब ये तो इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो गए 1 ग्राम में, नंबर ऑफ एटम के लिए इनटू 2 करना होगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एन ए बाई 16, ठीक है। जबकि लिथियम के लिए नंबर ऑफ एटम निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा बताओ, एन ए बाई 7। आप बताओ कौन सा नंबर बड़ा है, ये नंबर बड़ा है, इसलिए इसमें नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे, तो ऑप्शन रहेगा हमारे पास में सेकंड। क्वेश्चन की रेटिंग बहुत ही इजी क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगता किसी बच्चे का क्वेश्चन ये गलत हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच, ठीक है, जनरली नीट के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों आते नहीं है, रटने वाला क्वेश्चन था, ये समझदारी नहीं थी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, क्योंकि ये अब ये सब कौन रटता है यार बताओ, ये जबरदस्ती एनटीए ने क्या किया, बच्चों का एक आध क्वेश्चन खराब हो और मैच द कॉलम या यूपीएससी दिखे, लालच में पढ़ने में टाइम खराब हुआ होगा, कुछ ना कुछ बदमाशी के लिए ये क्वेश्चन थे, है ना, ज़्यादातर बच्चे ने छोड़ा ही होगा, और मैं खुद होता तो छोड़ देता, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है जनरली आते नहीं है, तो इसका लोड लेना नहीं है, बिल्कुल रटने वाला था, जैसे यहाँ पर जो है अनमैच है, एनसीईआरटी से मैंने खुद मिला है, मुझे भी याद नहीं है, ठीक है, तो एनसीईआरटी से मिलाने पर पता चला है कि ये वाला जो है मिसमैच है, तो आंसर जाएगा 2, डी का 4 जो है इनकरेक्ट है, और इनकरेक्ट ही हमको पूछा था। ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, अगर मुझे इसे रखना हो, कैटेगराइज करना होगा, तो मॉडरेट या फिर अगर हार्ड, अगर मैं ऑप्शन में रहता तो इसको हार्ड की कैटेगरी में रखता, ठीक है, जनरली ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है एग्जाम में, इसको आपको सॉल्व नहीं करना चाहिए था, अगर आपको कहीं पे भी डाउट है तो, आता है तो अच्छी बात है।
बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 149 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइन विल गिव द कार्बिल अमाइन टेस्ट। कार्बिल अमाइन टेस्ट हमारे पास कौन कौन से देते हैं, ठीक है। अभी ज़्यादा रिएक्शन वगैरह इसमें पूछा नहीं बच्चों। जब मैं आपको कार्बिल अमाइन टेस्ट बता रहा था तो मैंने आपको बताया था क्या बेटा, हमारे पास अगर जो 1 डिग्री अमाइन हो, ठीक है, मैं आपको इसको ना हेलो एल्केन हेलो एरिन चैप्टर जब क्लोरोफॉर्म वगैरह में पढ़ा रहा था वहाँ पे आपको बताया था, ठीक है। 1 डिग्री अमाइन की रिएक्शन अगर CHCl3 के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ KOH सॉल्यूशन के प्रेजेंस में करते हैं तो हमारे पास में एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। क्या बनता है बेटा, एल्किल आइसोसाइनाइड। और ये बनते ही बहुत गंदी सी स्मेल मारता है, कि बहुत बदबू आते रहता है इसका। अगर ये बदबू मार रहा है यानी कि हमारे पास जो अमाइन है वो 1 डिग्री होगा। तो अमाइन की डिग्री को टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, कार्बिल अमाइन टेस्ट लेते हैं। तो हमारे पास ये देखो, यहाँ पर 2 कार्बन जुड़े हुए हैं तो ये 2 डिग्री है ना। यहाँ पर भी 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन से 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन एक ही ग्रुप से जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री यही है। तो आंसर जाएगा हमारे पास 3rd। इस क्वेश्चन की रेटिंग की बारी आएगी तो ऑर्गेनिक से बहुत ही आसान क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ रहे, इसको मैं ईजी के कैटेगरी में ही रखूंगा। अगला बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्यूरिफिकेशन टेक्निक से क्वेश्चन आया हुआ है। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जांपल ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो जो हमारे पास में इसका आंसर हो जाएगा, देखो हमारे पास पेपर क्रोमेटोग्राफी हम लोग कब काम में लेते हैं, जब हम लोग उसको बोलते हैं पार्शियल क्रोमेटोग्राफी, हिंदी में बोला जाता है विपाटन वर्ण लेखिकी, ठीक है। ये उसका क्या होता है बेटा, एग्जाम्पल होता है, ठीक है। प्योरिफिकेशन सेपरेशन वाली थ्योरी एनसीईआरटी में 2 पेज में था, वहाँ पे ये बात दी हुई थी। कोई बड़ा टफ क्वेश्चन नहीं था, इसको हम लोग कैटेगराइज करना होगा तो इजी, या फिर थोड़ा रटने वाली चीज़ है, याद रखने वाली चीज़ है तो आप चाहे तो मॉडरेट की कैटेगरी में रखें, मैं इसे ईजी में रखूँगा। बच्चों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 151 फिजिकल केमिस्ट्री से। अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन और आर्गन गैसेज इन अ सिलेंडर कंटेन 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, है ना। नाइट्रोजन कितना दिया हमारे पास में, 7 ग्राम दिया है, ठीक। एंड 8 ग्राम ऑफ आर्गन, आर्गन हमारे पास में कितना दिया हुआ है बच्चों, 8 ग्राम दिया हुआ है। इफ टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ द गैसेस इन द सिलेंडर इज 27 bar, पी टोटल हमारे पास दोनों मिक्सचर का 27 bar दिया हुआ है, तो पूछा है पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन बड़ा आसान क्वेश्चन था, देखो कितने सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे पहले हम इनके मोल्स निकाल लेते हैं, तो नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इक्वल्स टू हो जाएगा गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 14, दो नाइट्रोजन है तो हो जाएगा 28, है ना। तो ये हो जाएगा 7 / 28, इसको करूंगा तो ये हो जाएगा 1/4 यानी कि 0.25, इसके नंबर ऑफ मोल्स हो गए, ठीक है। आर्गन का एटॉमिक मास दिया हुआ है 40, आर्गन का मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया है या एटॉमिक मास दिया है 40, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आर्गन कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट यानी कि 1/5, 1/5 यानी कि हमारे पास में ये हो जाएगा 0.20, कितना हो जाएगा 0.20। अब देखो मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है नाइट्रोजन का, मोल फ्रैक्शन किसी का इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन उसीच का अपॉन टोटल मोल, नाइट्रोजन के मोल प्लस आर्गन के मोल। नाइट्रोजन के मोल मेरे पास कितने हैं, 0.25 डिवाइडेड बाय 0.25 प्लस 20 प्लस 0.25, सबके मोल जोड़ दो तो ये हो जाएगा 0.25 डिवाइडेड बाय 0.45। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये करीब करीब आ जाएगा 5/9 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब ये तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ गया, अब मुझे अगर पार्शियल प्रेशर लिखना है किसी का इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन उसीच का इनटू पी टोटल, टोटल प्रेशर, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन मेरे पास है 5/9 और टोटल प्रेशर मेरे पास कितना है बच्चों, 27, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक। ये हो जाएगा 3 times कटेगा और 5 × 3 5 × 3 = 15 हो गया, तो प्रेशर हो जाएगा 15 bar यानी कि आंसर हमारे पास में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1st। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को रेटिंग देने की बारी आएगी तो मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, इजी ही इसे रखा जाएगा। थैंक यू।